गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लाइफ विद कौशिक। सो हम हैं गाइस मनाली हाईवे पे, मनाली से 65 किलोमीटर दूर गुड़गांव की तरफ, और यहाँ हो रखा है लैंडस्लाइड। इसकी वजह तो ये था कुछ हाल गाइस यहाँ पे मनाली हाईवे का, मनाली से 65 किलोमीटर दूर। अभी और भी कोई अपडेट होती है तो आपको दिखाते हैं बिल्कुल, बाकी अभी का यही करंट सिनेरियो है। अभी और अगर मैं मुझे आगे जाने का मौका मिला तो मैं आपको दिखाऊंगा एग्जैक्ट लैंडस्लाइड का माहौल कहाँ है, कैसे है। सो फ्रेंड्स, मेन लैंडस्लाइड एक तो ये हो रखी है आगे। रोशा साइड हो जा बेटा, इस साइड आ जा। और पूरी दुनिया गाड़ियों में से उतर उतर के वहाँ पहुँची हुई है। मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी ज़्यादा सब माल गिरा पड़ा है पहाड़ में से। देखते हैं वहाँ पहुँच के, काम तो चल रहा है। लेट मी शो यू। बहुत ज़्यादा ही हो रखा है फ्रेंड्स यहाँ पे। मैन, ये वाला पूरा पहाड़ ही स्लाइड होके नीचे आया हुआ है। लुक एट दिस, इतने बड़े बड़े पत्थर। एंड लुक एट द क्राउड, ऑल पीपल आर वेटिंग हियर। बहुत ही बड़े बड़े पत्थर। नाइस, हाँ, फटाफट से मशीनें आ गई हैं। भागो भागो। फ्रेंड्स, लिल स्लाइड इज फ्रेंड्स, लुक एट दिस लैंडस्लाइड। यहां तक भी आगे गिरा है सारा। ये इन्होंने इधर गिरा है, रोहित उठा उठा के। ये दो मैन, ये देखो बड़ा है। ये देखो फ्रेंड्स, एक लैंडस्लाइड ये हो रखा है रास्ते में, फुल ऑन पहाड़ गिरे हुए हैं। ये देखो, ये देखो, ये पूरी रोड चरचराहट, लिटरली बुरा हाल है भाई। मतलब हम लोग, ये देखो कितना बड़ा गिरा है भाई ये तो। ये देखो फ्रेंड्स, ये मम्मी कल कल में ही हुआ है ये सारा। ये देखो, ये देख ना, आगे आगे तक पत्थर आए हुए, देख भाई बड़े मोटे मोटे पत्थर है। फ्रेंड जी, यहाँ पे इस वाली जगह से तो अभी भी पत्थर आके गिर ही रहे हैं यार। और अभी हमारे आगे पूरा जाम है, पूरा का पूरा जाम है। एंड दिस इज स्कैरी बिकॉज पत्थर गिर ही रहे हैं। नहीं, लुक एट दिस, ये किसी से आया होगा ये पत्थर, कितना बड़ा। शिट मैन, पूरा पत्थर ही ट्रक के ऊपर पड़ा हुआ है। और ओ गॉड, दिस इज वेरी स्कैरी फ्रेंड्स। दिस ऑल ये सब अभी हो रखा है, मतलब ये कल रात से अभी तक में हुआ है। बिकॉज जिस दिन हम लोग आए थे उस दिन सब साफ था, ऐसा कुछ भी नहीं था। पेड़ उगा ही हुआ है उसमें। यार देखना पापा, बड़े बड़े पत्थर यार, ये देखो कितना आया नीचे। फ्रेंड्स, एक तरफ ऐसे पानी और एक तरफ ऐसे पहाड़, वेरी स्कैरी सिचुएशन। और जाम लगा पड़ा है। और ये पानी देखो जरा फ्रेंड्स। हाँ बेटा, वेट।
देखो पेड़, देखो पापा पूरे पूरे पत्थर और पेड़। ऊपर मकान है, कितने कोने पे मकान है देखो। उनका पूरा मकान के आगे का बरांडा नीचे आ गया। ये वाला रोड अब आया है वो जो गंदा रोड था। फ्रेंड बहुत ही बुरा हाल है, ये तो काम चल रहा है बेटा, वो वाला रोड आ गया ये। बट पापा देखना क्या कर रखा है इन्होंने काम के नाम पे, गिरा जब सारा गिरा गया धड़ाक से ब्लास्ट कर रहे थे खुद है ना। ये देखिए पत्थर कितना बड़ा है पापा आपके साइड में, नाम से बोल सकते हैं सब्जी वाला बंदा परेशान हो, ये हमारे को शौक थोड़ी है, ठीक है ना। हमारे को भाई जी यहाँ सीईओ है, बंदे का फोन है ना, तीन बल्दी से बोलता है आपकी बात, उस लेन में लगे हुए बोलते हैं कमा के गाड़ी जाओ, साथ में पूरी इन्हें आया इधर बड़े बड़े बोलते हैं इधर से गाड़ी कमा के इधर लगा के सीईओ साहब को छोड़ के आई आगे गाड़ी हाँ अभी पापा रोहित बोल तो रहा था कि इधर से ही निकालेंगे, उधर वाली रोड ब्लॉक हो रही है। हम देख निकलने शुरू हो गए उधर, अभी यही मुड़ रहे हैं ना आगे से, अभी रुक जा भाई खुलने दे। फ्रेंड्स पता नहीं लोग भागे तो हैं, हम लोग ढाबे पे गए थे चाय वाय पीने के लिए और वहाँ पे एकदम से ऐसे हुआ भागो जाम खुल गया, जाम खुल गया है। हम लोग गाड़ी में आ तो गए हैं बट अभी इतने लोग हो चुके हैं तो शायद यहाँ पे अब निकलने निकलने में टाइम लग जाएगा। अच्छी कितना टाइम लगता है, चलो रहे मंडी तो पहुँचा। फ्रेंड्स लोगों को इतने चूल है ना भाई साहब, ये वाला गाड़ी वाला बहुत पीछे से आया है रॉन्ग साइड लेके और अब एनी हाउस लोग खुलवा रहे हैं तो हमारे आगे इसने जगह बनाई है क्योंकि उधर से आने वाले लोगों को रास्ता ही नहीं है और इसकी गाड़ी में ये जरा सा लगाने से गाड़ी छिल जाएगी। फ्रेंड्स मेन जो स्लाइड हो रही थी वो ये हो रही थी, ये पूरा टावर और वायर सब कुछ गिरा पड़ा है, पावर सब फर्स्ट मेन आ गया है। एक ये स्लाइड हो रही है और ये अभी भी हो ही रही है, पत्थर गिर ही रहे हैं और वो देखो वो छोटे छोटे पत्थर गिरते हुए आ रहे हैं पापा, ये देखो ना पत्थर तो फिसलते ही आ रहे हैं अभी भी, जा रहे हैं ना बहुत सारे पत्थर, देखो ना निकलते आ रहे हैं वो, देखो और अभी आगे एक स्लाइड और आएगी जो हो ही रही है और जो थोड़ी सी ज़्यादा रिस्की वाली है। अभी जो लोग जाते हुए बोल रहे थे वो यही बोल रहे थे निकल जाना बस फटाफट निकाल लेना। ओके वो ऊपर पापा ये वाला जो अटका हुआ है हाँ वो कोना, ये पक्का गिरेगा, वो जो यहाँ पे पुलिस खड़ी हुई थी शी वाज सेइंग कि ये पक्का गिरेगा, इसकी वेट कर रहे थे कि ये गिर जाए नहीं तो ये आज में कल में गिरेगा ही गिरेगा। तो ये सारा कच्चे पहाड़ हैं और ये गिर ही रहे हैं यार, और आगे तक का ट्रैफिक का ऐसे ही चल रहा है और हमारे ये 11 किलोमीटर इस लाइक 11 जन्म हो चुके हैं हमारे लिए। यार ये लोग वॉलंटियर करके कर तो रहे हैं आगे उस साइड से, मम्मी वो बस नहीं कट रही ना वहाँ से, आगे बहुत लंबी बस है वो बस को आगे इधर आएगी तो हम लोग आगे जा पाएंगे ना। ये एक्चुअली वो ब्राउन बस जो फंसी हुई है उधर वो दिख रही है अगर आप लोगों को, ये बस यहाँ पे नहीं आ पा रही है क्योंकि वहाँ कर्व है और सारी गाड़ियाँ वहाँ पे जाके अड़के खड़ी हो गई हैं, ट्रक्स बसेस ब्राउन कलर की है। हाँ डूइंग
चलो भी गाड़ी आ गई इसे चल खड़ी फ्रेंड बच्चों का कितना सही है ना। रोहिशा को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, हम सुबह से कितनी टेंशन में है क्या क्या हो रहा है। ये अपना मस्त सो रही है, उठ रही है, राइम दिखा दो है ना। बहुत स्कैरी हालत हुई पड़ी है। ये देखो ये दिखार वाला देखे देख तुम, इसी तरफ मैं दोनों तरफ ही हालत ऐसी ही है यार। अच्छा इधर रोड नीचे रिवर है ना पूरी। ये सारा ब्लास्टिंग जोन है ये। लेकिन पीछे वाला भी बहुत आया पड़ा था यार। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो। Look at this stone. ये कहाँ से आया भाई? पीछे ऊपर से। Scary. अंधेरा हो गया है और पीछे से हम काफी आगे तो निकल आए हैं, बट मंडी हम अभी तक भी नहीं पहुंचे हैं। मंडी अभी? हाँ जी। सर 4.5 घंटे से खड़े हैं जाम में। So पता नहीं क्या होगा। लैंडस्लाइड का पहले 2.5 घंटे वहाँ खड़े रहे, अब 2.5 घंटे